नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में, यानी वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम का स्क्वाड क्या होने वाला है, तो हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारतीय टीम है वो जाएगी इंग्लैंड, जहाँ पर वर्ल्ड कप 2019 के मैच खेले जाने वाले हैं। पहला मुकाबला 5 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाना है। अब दोस्तों बात करें हम भारतीय टीम के स्क्वाड की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की, जहां पर पहले बल्लेबाज होंगे रोहित शर्मा, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और वह भारतीय टीम के उप कप्तान भी हैं। बात करें दूसरे बल्लेबाज की, तो दूसरे बल्लेबाज होंगे शिखर धवन, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। बात करें तीसरे बल्लेबाज की, तो तीसरे बल्लेबाज होने वाले हैं कप्तान विराट कोहली, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और इस वर्ल्ड कप 2019 के मैचों में कप्तानी भी करने वाले हैं विराट कोहली। तो दोस्तों ये रहे तीन बल्लेबाज। अब बात करें हम ऑलराउंडर की, तो यहाँ पर पहले ऑलराउंडर होंगे केदार जाधव, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं और काफी अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। अब दोस्तों बात करें दूसरे ऑलराउंडर की, तो दूसरे ऑलराउंडर होंगे हार्दिक पांड्या, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, काफी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। बात करें तीसरे ऑलराउंडर की, तीसरे ऑलराउंडर होंगे रविंद्र जडेजा या विजय शंकर, में से कोई एक खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है। बात करें फर्स्ट चॉइस की, तो फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं रविंद्र जडेजा, जो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों ये रहे ऑलराउंडर। अब बात करें हम विकेट कीपर की, तो यहाँ पर पहले विकेट कीपर होंगे दिनेश कार्तिक, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं और काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग भी करते हैं। बात करें अंबती रायडू, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं नंबर 4 के, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। बात करें तीसरे विकेट कीपर की, तीसरे विकेट कीपर होने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो कि काफ़ी अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो ये रहे तीन विकेट कीपर। अब बात करें हम बॉलर की, तो बॉलर में सबसे पहले नाम आता है कुलदीप यादव का, जो कि बहुत ही बढ़िया चाइना गेंदबाज हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करना होंगे युजवेंद्र चहल, जो काफ़ी अच्छी लेग स्पिनर फेंकते हैं। बात करें फास्ट बॉलिंग की, तो यहाँ पर फास्ट बॉलिंग में नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, जो काफ़ी अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं और काफी अच्छे डेथ ओवर के बॉलर हैं। दूसरे फास्ट बॉलर होने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार, जो कि बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलिंग करते हैं और काफी अच्छी गेंद को स्विंग भी करवा लेते हैं। बात करें तीसरे फास्ट बॉलर की, तो तीसरे फास्ट बॉलर होने वाले हैं मोहम्मद शमी, जो कि बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलिंग करते हैं और काफी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। बात करें चौथे फास्ट बॉलर की, तो चौथे फास्ट बॉलर होने वाले हैं खलील अहमद, जो कि बहुत ही बढ़िया बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और काफी अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों ये रही भारतीय टीम का स्क्वाड, जो कि वर्ल्ड कप 2019 के में, तो दोस्तों ये रहा भारतीय टीम का स्क्वाड, जो कि वर्ल्ड कप 2019 में हमें देख सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है बताइए नीचे कमेंट करके, किस खिलाड़ी को मौका दिया जाना चाहिए, किस खिलाड़ी को नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।